नमस्कार दोस्तों, बाबा टूल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने एक ऐसे कस्टमर से मिलवाएंगे जो सिर्फ 15 साल के हैं और ओसीए मशीन परचेज करने आए हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं हम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अयान। अयान, कहाँ से हो तुम? मैं यूपी लखीमपुर खीरी से हूँ। लखीमपुर खीरी से हो? क्या उम्र है आपकी? कुछ 14-15। 14-15 साल के हो और आप ओसीए मशीन लेने आए हो? कब से कर रहे हो आप ये मशीन का काम? जी लगभग हो गए हैं तीन साल हो गए हैं। तो कैसे इंटरेस्ट बना आपका ओसीए मशीन में कि मेरे को ओसीए मशीन चलानी है, मुझे मतलब पंचिंग करनी है? कैसे, आपके फादर क्या करते हैं? वैसे ही गांव में रहते तो खेती करते हैं। मतलब पापा खेती करते हैं और आपका इंटरेस्ट जो है मशीन्स में है, तो ये इंटरेस्ट कैसे बना आपका? इसे क्या, हम अपने यहाँ गांव में नॉर्मल शॉप पे जाते थे। अच्छा, धीरे धीरे सीखा। मतलब किसी और की शॉप पे जाके आपने काम सीखा? फिर मैंने अपने यहाँ से 15 किलोमीटर दूर फिर वहाँ गया, वहाँ सीखा, फिर मैं दिल्ली में आया। अच्छा, तो अभी आप क्या क्या काम कर लेते हैं? जैसे अभी आपने ओसीए मशीन ली है, ये तो आप कर लेते हैं पंचिंग पूरा कर लेते हो, बाकी और क्या क्या काम कर लेते हैं आप? जैसे आईसी में रिवॉल्विंग हो गई, ब्लैक पेस्ट तो नहीं करवाते हैं, आईसी रिवॉल्विंग कर लेते हो। और सॉफ्टवेयर वगैरह की नॉलेज है? नॉलेज है। मतलब इतनी छोटी जगह रह के आपने इतना सब कुछ सीख लिया है। और पापा आपकी खेती करते हैं, तो अभी आगे फ्यूचर में क्या करना चाहोगे? फ्यूचर में क्या, ऐसे ही चल रहा है, अब आगे काम बढ़ेगा। आगे काम बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 15 साल के हैं और इन्हें कितनी नॉलेज है। जैसे ओसीए मशीन आप परचेज कर रही है, तो इससे पहले आप मार्केट में कहाँ कहाँ गए थे? मैंने एक की टी से बात की थी, तो मैंने 2600 परचेज करने वाला था। तो मतलब आपकी फाइनल बात हो गई थी, तो फिर एकदम से बाबा टूल में कैसे आना हुआ और आपने यहाँ से परचेज भी कर लिया? देखा कि मतलब यहाँ पे मैं ट्राई कर लूँ, फिर मैंने ट्राई किया तो आपको मतलब मशीन का रिस्पांस अच्छा लगा? बढ़िया लगा, तो मैं ओके ठीक है। तो अब आप ये मशीन यूज़ करेंगे तो मुझे इसका फीडबैक भी देना कि कैसी चल रही है मशीन। ऐसा नहीं कि अगर ख़राब चल रही है तो भी तुम्हें बोलना है कि अच्छी चल रही है, जैसी चलेगी वैसी मुझे बताना, ठीक है?